दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं एक अनदर जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ हम बताने वाले हैं कि JPSC के तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकल करके आ रही है। इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई करने की प्रक्रिया है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसको बताते हैं, उससे पहले बता दें अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है विज्ञापन संख्या निकाली गई है 05/2022। यहाँ देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो है आपकी यहाँ पे भरने की जो कि अंतिम तिथि है वो 7/3/2022 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, यहाँ पे देख सकते हैं 17/3/2022, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों यहाँ पे प्रक्रिया दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे बताते हैं सारी चीज़ें यहाँ डिटेल से। तो कौन कौन सा डिपार्टमेंट से निकाली गई है वो पहले बात कर लेते हैं। यहाँ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया करने के लिए इस जो वेबसाइट है www.jpsc.government.in पे जाकर के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ बता दें कि ये जो है आपके डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो कौन कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट से निकाला गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट जो कि यहाँ पे, उसके बाद साइकेट्रिक जो कि नर्स के लिए है, और दूसरा जो है साइकेट्रिक पोस्ट है, और तीसरा अगर बात करें तो यहाँ क्लिनिक साइकेट्रिक गैर चिकित्सा जो कि समन्वयक का है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल सीट की अगर बात करें तो यहाँ 8 सीटें निकाली गई है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि टोटल 1 सीटें जो कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज सीट भी यहाँ पर बाँट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो है आपकी जॉब परमानेंट जॉब होने वाली, यानी कि गवर्नमेंट की ये परमानेंट जॉब है आपके लिए, ठीक है। यहाँ बता दें कि वेतन माह की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लेवल 7 यानी कि 67,700 आपको यहाँ पर मंथ दी जाएगी, लेवल 7 यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, यहाँ देख सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल काउंसिल फॉर इंडिया द्वारा जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड संस्थान से आप यहाँ पे DM न्यूरोलॉजी आप किए हुए हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अनुभव की अगर बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका 3 ईयर्स यहाँ पर अनुभव की दी हुई है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है जैसे कि हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइकेट्रिक की जो यहाँ पे पोस्ट है इसमें से आपको यहाँ पे मेडिकल काउंसिल फॉर इंडिया के यहाँ से रिकॉग्नाइज संस्थान से आप यहाँ पे MD, ठीक है, या DNB अगर किए हुए हैं तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस की तो इसी डिपार्टमेंट 3 साल की आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ अगर बताएं आपको कि तो यहाँ देख सकते हैं ये साइकेट्रिक जो कि ये नर्सिंग के लिए है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से साइकेट्रिक जो कि नर्सिंग जो कि विशेषज्ञता के साथ कम से कम यहाँ पे 2 वर्ष की MSc, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग तथा यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में जो कि PhD या DSc अगर डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, मान्यता प्राप्त। यहाँ देख सकते हैं अनुभव की बात करें तो यहाँ 3 ईयर्स की आपकी यहाँ पर अनुभव होनी चाहिए इस डिपार्टमेंट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपका यहाँ पे निकाली गई है क्लिनिक साइकेट्रिक जो कि ये पे नॉन मेडिकल कैडर का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका यहाँ पे क्लिनिक साइकेट्रिक अथवा यहाँ पे साइकेट्रिक जिसमें से क्लिनिक साइकेट्रिक का एक पेपर होना आवश्यक होगा, ठीक है। इसमें से कम द्वितीय श्रेणी में यहाँ MS या MSc की डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं दूसरा आप यहाँ पे अगर आपके पास और भी डिग्री है जैसे कि फिजियोलॉजी डॉक्टर इन साइंस अगर है आपके पास तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं मान्यता प्राप्त ये जो है आपके विश्वविद्यालय से आपके कहीं आपके इस डिपार्टमेंट में 3 ईयर्स की आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 3 ईयर्स वर्ष के यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और आगे क्या क्या दी हुई है, जैसे कि यहाँ उम्र की अगर बात करें तो यहाँ उम्र की बात न्यूनतम आपका 30 ईयर दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। अधिकतम उम्र की अगर बात करें स्वास्थ्य चिकित्सा जो कि शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर निकाला गया है, जैसे कि यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है अनुसूचित जाति के लिए 45 से 55 तक है, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 47 से 57 है, महिला अनुसूचित
अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 48 से 58 है। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 50 से 60 है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बताते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे बता दें आपको, यहाँ पे दिया गया है कि उम्र जो है गणना आपकी ये देख सकते हैं 1/1/2021 से की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें दे दी गई है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ अभ्यर्थी द्वारा 3 वर्ष का MBBS का यहाँ पे प्रमाण कुल योग जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताते हैं। यहाँ पे देखिए मार्क्स बांट दिया गया है, जैसे कि संबंधित विषय में MD, MS, DNB की डिग्री जो है 10 अंक यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, इस अनुसार से आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए और बात करते हैं यहाँ पे, देखिए और एक चयन करने की जो यहाँ अंक की अगर विभाग निम्नलिखित दिया गया है, जैसे कि मैट्रिकुलेशन में 10 मार्क्स जो कि मैक्सिमम, ठीक है, टेबल फर्स्ट में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट का दिया है 10 मार्क्स, ग्रेजुएशन का दिया है 18, पोस्ट ग्रेजुएट का 22। ठीक है, PhD या नीट या JET किए हुए हैं तो 15 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट जो कि आप PhD रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस है वो यहाँ 5 मार्क्स, पब्लिकेशन में 5 मार्क्स, इंटरव्यू में 15 मार्क्स और टोटल मिलाकर के 100 मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखा गया है कि आरक्षण उन्हीं को लाभ मिलेगा जो कि आरक्षण का लाभ केवल झारखंड स्थान के स्थानीय निवासी होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे लाभ मिलेगा और उनके लिए भी एक नियमावली बनाई थी जिसमें आपका यहाँ पे दे दिया गया कि 25/2/2019 जो है आपकी यहाँ पे दी गई है। इससे आपके यहाँ पे बाद बना हुआ आपके पास यहाँ पे जाति होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग की जो है आपकी ये जो डेट है इस डेट से बाद बना हुआ होना चाहिए, 25/2/2019 के बाद। ठीक है, तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे सारी यहाँ पे दे दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का के लिए भी जो यहाँ दिया गया है कि इस कैटेगरी में भी आपका सीट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ सारी चीज़ें आपका गाइडलाइंस दे दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी परीक्षा शुल्क की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI कोड के थ्रू यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं, ये जो वेबसाइट दिया है इस वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अनुसूचित अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के लिए यहाँ पे 600 आपका यहाँ पे रखा गया है फी। ठीक है, और अदर के लिए अगर बात करें अनुसूचित जनजाति अनुसूचित आदिम जाति के लिए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मतलब 150 रुपीज़ ही रखा गया। ठीक है, जो कि ये नॉन रिफंडेबल होगा यहाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे आवेदन कैसे जमा करना है उसकी सारी प्रक्रिया बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकी सारी प्रक्रिया, ये आपका आवेदन जो है प्रमाण पत्र भेजने की जो कि यहाँ पे आवश्यकता सूचना दी गई है, ऑनलाइन आवेदन के साथ किसी तरह की प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन जो है आपका इसके माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया गया है अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं जो कि ऑनलाइन आवेदन भरा जाएंगे, जिसके प्रकार गलत जो कि सूचना दर्ज करें या जो कि सूचना त्रुटि जाने पर भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपका यहाँ पर दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, क्या कैसे कैसे प्रक्रिया करनी है सारी चीज़ यहाँ बता दिया गया है। अगर किसी प्रकार की आपको यहाँ पे हेल्प लेनी हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो कि ये 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपकी यहाँ पे खुली रहती है। ठीक है, आई होप कि ये हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे दी गई है जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आवेदन के लिए जो है आपको यहाँ पे जो आवेदन यहाँ पे ऑफलाइन करेंगे उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कि मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है वो आपका छाया प्रति जो कि 100 अभी प्रमाणित आपको यहाँ पे जमा करनी है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे लास्ट हम बता देते हैं कि ये जो है आपकी ऑनलाइन की जो आवेदन की अंतिम डेट है वो 14/2/2022 से आपका स्टार्ट हो चुका है और 7/3/2022 तक 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7/3/2022 से 8/3/2022 तक जो है आपका परीक्षा शुल्क यहाँ जमा होगा, ठीक है। उसके बाद ऑफलाइन आवेदन जो कि निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 17 तक आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरी यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो लें ताकि और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।